हे गुड मॉर्निंग टूर, तो कैसे आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज है मेरा डे 5th यहाँ पे शिलोंग में। बट शिलोंग से आज मैं जा रहा हूँ यहाँ पर चेरापुंजी। चेरापुंजी में मैं मुझे करना है अब स्टेज आके। फाइनली पहले स्टॉप लिया यार मैंने। मैं बिना रुके स्कूटी चलाता था ना 50-60 किलोमीटर थक जाता था, तो आज मैंने पूरे 28 किलोमीटर बाद लिया है। नींबू लगा देना भैया। मॉर्निंग विद कौन, हम आपके हैं कौन। इधर राइमिंग हो गई। मैंने ना डोंग बैट्स की है। डोंग बैट्स मींस लाइक सामने मेरे लिखा है ना कोर सॉन्ग टेट होम स्टे, इसमें ना बैट्स अवेलेबल होते हैं। और मैंने अगर मैं वो मुझे बैट पड़ा है पर डे 545 का। और अगर मैं रूम देख रहा था ना तो रूम मुझे पड़ रहा था पर डे 1298 का। क्यों भाई, क्या है ये? लाइक डेट। चलिए भाई ये बैट्स मिले हैं। मैं 5-10 मिनट लेट जाता हूँ, फिर आप लोगों को थोड़े आगे की दिखाता हूँ नज़ारे। इस वक्त मैं अब निकल रहा हूँ यहाँ से। इस वक्त मैं हूँ चेरापुंजी। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये मैंने स्टे लिया है 550 पर डे लिया है। मैंने चेरापुंजी में इसलिए स्टे लिया है क्योंकि ना मुझे हर दिन चेरापुंजी आना पड़ रहा था, क्योंकि शिलोंग में कुछ घूमने लायक है नहीं। मतलब एक ही है उमियाम लेक, जो मैंने आपको दिखाई थी फर्स्ट एपिसोड में, फर्स्ट या सेकेंड में। अच्छा सा लग रहा है कुछ, बट यहाँ के ना रोड बहुत ज़्यादा नैरो है, ठीक है? तो कभी भी मोड़े ना, कभी टर्न आए, कोई भी जो भी टर्न आएगा ना, तो उस पर ना यार होंक जरूर कर देना, ठीक है? बाइक का भी 40 और कार का डाली। मैं आ चुका हूँ। कुछ इस तरह के व्यू है यहाँ का, ठीक है? ये सामने जो मेरे बिल्कुल दिख रहा है ना, ये है एंट्री गेट। एक भैया कह रहे थे कि आपको लोग संभल के आना। अब सोच रहा हूँ 1000 स्टेयर्स हो जाएंगे ना जब, तो ना थोड़ा रेस्ट लूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। दिख रहे होंगे यार, स्वेटिंग इतनी आ रही है ना, वो भी यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है, बहुत ज़्यादा। और मैं वूलन
वूलन पहन के आ गया, मुझे मैं वूलन वेयर करके आ गया, मुझे लगा कि ऊपर ठंड होगी। ये लेकर रखा है इन्होंने भाई, अडल्ट 30 रुपये, कैमरा 20 रुपये, वीडियो गोप्रो कैमरा। गोप्रो कैमरा तो मैं निकाल के रख दूंगा क्योंकि 100 रुपये पे करूंगा नहीं भाई। उस पर लिखा था गोप्रो के 100 रुपये, तो मैंने गोप्रो निकाल दिया अपना, गोप्रो निकाल के रख दिया क्योंकि आई विल नॉट पे 100 रुपीज़ यार, मैं 100 रुपये क्यों पे करूँ जब मैं अपना ब्लॉग अपने फ़ोन से कर सकता हूँ। तो ये जो वे है इस वक्त मैं जहाँ जा रहा हूँ ना, यहाँ पे दो वे है, एक है स्ट्रेट और एक है आपके राइट में, राइट वाला जाएगा डबल डेकर और स्ट्रेट वाला जाएगा सिंगल डेकर। मैं आपको दोनों दिखाता हूँ। तो ये है सिंगल डेकर जाने का, यहाँ दो डेकर है, एक सिंगल डेकर रूट है, एक डबल डेकर रूट है। तो इस वक्त मैं जा रहा हूँ सिंगल डेकर पे। ये है कि यार बहुत ब्यूटीफुल है, आई कैन एक्सप्लेन सीरियसली, मेघालय इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल हिल स्टेशन आई हैव एवर सीन। हर चीज़ है यार यहाँ पे देखने के लिए। चलो ये है सिंगल डेकर का रास्ता, एक बार में दो से ज़्यादा नहीं जा सकते भाई, डर तो लग रहा है भाई क्योंकि ये ना जितने भी है जिस पे चल रहा हूँ मैं, ये लिविंग रूट्स है ठीक है, ये नॉन लिविंग ना कर दे मुझे। ओ भाई ओ ओ ओ ओ ओ ओ भाई एक बार में दो से ज़्यादा नहीं, इससे लिखा हुआ है बोर्ड पे एक बार में दो से ज़्यादा मत जितना। वो तीनों के तीनों एक साथ आ रहे हैं भाई, उसमें लिखा है साफ साफ कि एक बार में दो से ज़्यादा मत जितना मत आना, पहले मुझे क्रॉस करने दो फिर आना आराम से। देख रहे हो ना मेरे पीछे सब कुछ दिख तो रही होगा। ये है सिंगल रूट ब्रिज भाई, ये सिंगल डेकर है, डबल डेकर अभी आगे आएगा, यहाँ पे ख़त्म, अब यहाँ से वापस होना है, ये ख़त्म हो गया अब यहाँ से वापस। तो फाइनली डबल मतलब सिंगल डेकर मैंने कवर कर लिया है, अब यहाँ से जा रहा हूँ मैं डबल डेकर पे। तो यहाँ बैठा हूँ मैं कुछ खाने के लिए। तो फाइनली सुबह से कुछ नहीं खाया था मैंने, सिर्फ स्टिंग पी थी और एक दो तीन फ्रूट खाए थे। उसके बाद अब टाइम हो रहा है 12 बज के, टाइम हो रहा है 12 बजने में 10 मिनट है ठीक है। तो अब कुछ खाते हैं, पहले थोड़ा पेट में कुछ जाएगा ना तो एनर्जी आएगी, यहाँ से कुछ खाने के बाद मतलब सही है। स्टिंग यहाँ पे 35 की है, तो रेट 20 का इसका, तो सही है यार इतनी ऊपर से नीचे लाना, 15 रुपये तो एक्स्ट्रा बनते बनते हैं। और मैगी 40 की है तो वर्थ है मैगी तो यार, अपने यहाँ दिल्ली में भी 40-50 रुपये की मैगी मिलती है, अगर 60 रुपये की भी होती ना तो जब भी कोई बुरा नहीं था। कि ये है कि यार बंदा ऊपर से ला रहा है नीचे, इतने नीचे ला रहा है और ये खार पीर, मतलब समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं, मेरे दिल को समझो, मेरी बातों पर मत जाओ। तो चलिए चलते ऊपर, ये कई इधर उधर इसलिए देख रहे हो ना मुर्गे आपस में लड़ रहे हैं। तो चलिए अब जाना है, सिंगल डेकर मैंने कवर कर लिया है, अब जाना है डबल डेकर पे। तो नीचे कैंप एंड आई एम स्टिल वॉकिंग वॉकिंग वॉकिंग, आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन इंस्टेड ऑफ दिस, जाना पड़ेगा। कम से कम 2500 शेयर्स मैं चढ़ चुका हूँ, कवर कर चुका हूँ। अब देखो तो ये मैं पार कर रहा हूँ ना, इसके बाद एक और वो है ब्रिज। तो फाइनली दूसरी मंजिल मेरी यहाँ पे आ चुकी है ठीक है, मतलब पहले वाला थोड़ा वो रूट्स वाला था ना, और ये इन्होंने ना वायर से बना रखा है, केबल वायर्स होती है ना उससे ये वाला इन्होंने रूट बना रखा है ब्रिज का। बट ध्यान से
क्योंकि आपकी अगर कोई भी चीज़ नीचे गई ना कुछ नहीं मिलने वाली, बिल्कुल नहीं मिलने वाली। तो ध्यान से जाना भाई, बिल्कुल ये हिल सा रहा है। ठीक है, नो वरी। तो पीछे वाले आ रहे हैं, लेकर आ जाइए भाई, आ जाइए। जिसे जा अकेला नहीं जाऊंगा, लेके जाऊंगा, तुम तो साथ लेके जाऊंगा। फाइनली फाइनली ये है तीसरा। बट जो दो पिछले थे ना ब्रिज, वो तुम्हारे वायर से बने हुए थे। बट ये भी है एक ब्रिज है, ये लिविंग रूट से बना हुआ है। ये जो पेड़ देख रहे हो आप बड़ा सा, इसके लिविंग रूट से बना हुआ है ये ब्रिज। मगर नीचे बोर्ड भी लगा, बोर्ड लगा हुआ है कि अगर आप इन्हें कोई भी डैमेज करते हो ना, या जैसे कुछ होते हैं यार बंदे, ये वगैरह से ये पकड़ के खींच रहे हैं, वो पकड़ के खींच रहे हैं, तो 20,000 रुपये जुर्माना है उस पर। और जो उसके साथ ग्रुप आएगा ना उस पर, कैमरे में कुछ नहीं पता लग रहा होगा आपको, बट रियलिटी में ना दिस इज इनसेन। अब जाऊंगा यहाँ से आगे। ये वाला क्रॉस करना बहुत बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये ज़्यादा ना मूव नहीं कर रहा, बिल्कुल मूव नहीं कर रहा। जो पहले वाले थे ना वो ज़्यादा मूव कर रहे थे यार। अब आने वाला थर्ड फेस जो मेरे पीछे दिख रहा है आपको। इतनी खड़ी चढ़ाई है ना, इतनी खड़ी चढ़ाई है, इतनी खड़ी चढ़ाई है, मैं बैठ गया भाई। आई जस्ट वॉन्ट द रेस्ट। मुझे कम से कम 25 साल का टाइम दो ऊपर जाने के लिए, मतलब ऊपर नहीं भाई, यहाँ ऊपर जाने के लिए, क्योंकि मैं थक चुका हूँ, सीरियसली बहुत थक गया यार, जाना तो पड़ेगा। जैसे आप डबल डैगर की तरफ जाएंगे ना, तो यहाँ पे ना एक वो लिखा होगा, रेनबो वाटरफॉल 1 आवर फ्रॉम हियर। जो ये मेरे पीछे काउंटर दिख रहा है, ये जस्ट पीछे लिखा है ना टिकट। तो इन्होंने यहाँ फी मेरे से स्लिप काटी है 50 रुपये की, ठीक है। अगर आप गोप्रो के पैसे ऊपर पे करते हैं ना, तो गोप्रो के पैसे आपको नीचे भी पे करने पड़ेंगे, जो हो जाते हैं 200 रुपये, ठीक है। तो आप ऐसा करिए, ऊपर से जब आएंगे ना, तो ऊपर ज़्यादा वे नहीं है, मतलब ज़्यादा कवर करने की चीज़ नहीं है। तो आइए गोप्रो ऊपर, नीचे ऊपर रख लीजिए और यहाँ दिखा दीजिए, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि बिना फालतू की गोप्रो को 200 रुपये आप पे करें, ठीक है। ऊपर से मेरी एंट्री फीस उन्होंने 30 ली थी और नीचे लिए 50, टोटल 80 दिया मैंने। तो उन्होंने ये बोला था मुझे कि ऊपर के बाद नीचे नहीं लगेगी, बट दोबारा लग रही है। चलो इट्स ओके फॉर मी, अब आना है तो देना ही है। और फाइनली आई एम ऑन द डबल डेकर, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का व्यू कैसा है। ये ना लिविंग रूट से बना हुआ है बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं है कि ये मैन मेड है, बट जो बीच में फट्टे लगा रखे हैं ना वो मैन मेड है, क्योंकि फट्टे तो अपना पाए ही नहीं होंगे पेट से, तो फट्टे दो इन्होंने लगा रखे हैं बीच में सपोर्टिंग के लिए फट्टे, ये मैन मेड है। और वरना जितना भी है ना ये बना हुआ है, मतलब तो ये रूट्स निकल रही है सारी, ये नेचुरल है, अपने आप कवर किया उन्होंने इसको। पहले ये फट्टे नहीं थे यहाँ पे, जो ये दिख रहे ना आपको, पहले इस पूरे रूट पे चलता था बंदा, बट मे भी कुछ हुआ होगा तो इन्होंने ज़्यादा सेफ्टी होने के लिए, मतलब हमारी सेफ्टी के लिए इन्होंने फट्टे और लगा दिए। ये रहा, पहले आप जाइए यहाँ से, फिर सामने से ना, सामने से रास्ता है ऊपर से आने का बिल्कुल, ठीक है। तो नीचे से जाइए, फिर ऊपर से आइए, ये रहा ना, ये रहा ऊपर से आने का रास्ता। और एक बार में सिर्फ 5 लोग जा सकते हैं, वरना फाइन होता है। ये रहा, सेम है, अगर आप टाइम स्पेंड करना है तो आपके लिए वर्थ है, वर्थ इट है, अगर नहीं करना तो जब भी आ जाइए यार, हर जगह ना कुछ देखने के लिए बनती है। सी आप वहाँ भी नहा सकते हैं, ठीक है। और वो नीचे जाने जैसे ये है ना, ये देखो नीचे ये वाटरफॉल बन जाता है नीचे जाके, और एक ये है। तो आइए एंजॉय करिए, मतलब अच्छी प्लेस है थोड़ा। ये जो सेकंड वन है ना, ये हल्का सा मूव कर रहा है, फर्स्ट वन बिल्कुल मूव नहीं कर रहा था, तो बी केयरफुल। तो बस यही है डबल डेकर ब्रिज का सीन, कि ऊपर से आओ और नीचे से जाओ। वो रहा एक नीचे ब्रिज, दिखाता हूँ आपको दोबारा, वो नीचे वाला जहाँ वो बंदा खड़ा हुआ है, और ये है ऊपर वाला ब्रिज। बस दिस इज़ द ऑल ऑफ द स्टोरी ऑफ डबल डेकर ब्रिज। बस थोड़ा चिल कर सकते हैं आप यहाँ पे आके, ये सिर्फ 5-10 मिनट की आप पिक क्लिक कराइए, और जितना भी आपको चिल करना है ना, तो वो चिल जोन है, वहाँ चिल करिए, आइए इंजॉय करिए। बट यहाँ सिर्फ ये इतना ही है, आइए 1 से 2 घंटा स्पेंड करिए,
बट हो सके ना, अभी टाइम हो रहा है 1:10, 3 बजे तक यहाँ से चले जाइए, क्योंकि आपको जाने जाने में अभी 2 से 2.5 घंटे ज़रूर लगेंगे, क्योंकि आना आसान है, क्योंकि अब जब आप जाएंगे ना तो जब आप जाएंगे जितने भी शेयर मिलेगी ना आपको, वो ऊपर की तरफ मिलेगी, मतलब चढ़ाई मिलेगी, तो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दिस थिंग, ठीक है, जितना स्पेंड कर सकते हो उतना करिए। चलो मैं भी थोड़ा चिल कर लूँ यहाँ पे 10-15 मिनट का रेस्ट करने के बाद, चलता हूँ मैं भी ऊपर की तरफ। इस वक्त मैं था डबल डेकर रूट के पास, अगर डबल डेकर रूट से आगे ना एक और मतलब प्लेस है जो आप देख सकते हो, रेनबो फॉल्स, अगर आपको वहाँ जाना है तो आपको 1 घंटा और चलना पड़ेगा आगे, ठीक है, और उसके लिए मैं भी आपको सुबह 9 बजे तक ना यहाँ पे आना पड़ेगा, क्योंकि 9 बजे तक यहाँ पे आएंगे, फिर 1.5 घंटा ऊपर आने में तो लगेगा, फिर उसके बाद 1.5 घंटे के बाद फिर आप वहाँ 1 घंटा चिल करेंगे, फिर 1 घंटा आगे जाएंगे ना तो 4-5 बज जाएंगे, और यहाँ पे रास्ते ऐसे है कि हल्का सा भी डार्क होता है ना, मतलब हल्का सा भी अंधेरा होगा ना तो डिफ़िकल्टी हो जाएगी आपके लिए नीचे जाने के लिए, तो बस यही था, आइए एंजॉय करिए। चलिए मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए सी या गुड बाय, टेक केयर, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना भाई, और अगर अच्छी ना भी लगी हो ना जब भी करके जाना, मे भी क्या पता अगली वीडियो अच्छी आ जाए, और अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।